الانترنت سوي كيف قات اشياء ترى اشياء اللي زامن من شيء انفنتوري ستيج अपने लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी उन खामियों को, मेरी उन मिस्टेक्स को बिल्कुल नज़रअंदाज करके मुझे इनकरेज किया। तुम मेकिंग बनाओ यो घरेलू माहौल घर चिले दस दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद खुदा ना खासा मुझे बंद ही करना पड़े, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस। प्रेजेंटेशन चले सही थी कर अशिया करो अशिया ही निजाम में उन चीज इन्वेंटरी स्टेज सिक्योरिटी तो जरूरी टच होम डिलीवरी का कांसेप्ट कराया वैसे मुझे ताकि सैर नहीं दाइन वाले सब गुजर के कम के साइन माज में हकन के ठीक कर इस ये भी कांसेप्ट था कि उन तक हम हंसे का टेस्ट उन तक भी पहुंचाए जब हम सुबह अर्ली 6:30 बजे आपके घर तक। जी मेरा नाम रुबीना है, मैं निहालपुरा से हूँ, मैं इंग्लिश किया हुआ है मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से। मैं पिछले बहुत सारे टाइम से घर पे बैठी थी, तो हम घर पे असल में हमेशा से हरसा बनाते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे साइड से अवेलेबल नहीं है कहीं पे होता है, हमें यहाँ पे हम लोगों को सिटी जाना पड़ता था हरसा खाने के लिए। फिर हमने फैमिली में ये डिसाइड किया कि जब मैं बना ही लेती हूँ तो इसे हम अपने सराउंडिंग्स में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर मैंने घर पे हरसा बनाना स्टार्ट किया। पहले जब मैंने हरसा बनाना स्टार्ट किया तो एक फोबिया सा बैठ गया था, ऐसे लगा था कि शायद मेरे इस प्रोडक्ट को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का पहले पहले बहुत गलतियाँ भी हो गई, एक खौफ की वजह से, एक डर की वजह से बहुत खामियाँ भी रह गई। पहले पहले मार्केट का एक्सपोजर नहीं था मुझे, उन खामियों के बावजूद भी, उन गलतियों के बावजूद भी मेरे अपने लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी उन खामियों को, मेरी उन मिस्टेक्स को बिल्कुल नज़रअंदाज करके मुझे इनक्रेज किया। लगा नहीं था कि मुझे लोग ऐसे एक्सेप्ट करेंगे, पहले बहुत डर रही थी मैं, ऐसा फील होता था कि अगर मैंने स्टार्ट किया कहीं ऐसा ना हो कि 10 दिनों के बाद, 15 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद खुदा ना खासा मुझे बंद ही करना पड़े, लेकिन शुक्र है अल्लाह ताला का बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। मैं ये घर पे ट्रेडिशनल चूल्हे पे इसे पहले पकाती हूँ, पहले गोश्त को ट्रेडिशनल चूल्हे पे तैयार कर लेती हूँ, जब वो वहाँ पे पक जाता है, अच्छे से बॉयल हो जाता है, तब जाके मैं इसे, जैसे कि हम सब गैस वाले चूल्हे पे खाना पकाते हैं, बिल्कुल उसी चूल्हे पे मैं पकाती हूँ इसे, कॉपर वाले बर्तनों में इसे पकाती हूँ, पूरे ट्रेडिशनल जैसे कि हमारे घरों में हमारी माएँ बनाती है, बिल्कुल वैसे ही उसी ट्रेडिशनल स्टाइल में मैं इसे बनाती हूँ। इसमें कोई मशीन्स का यूज़ नहीं होता है, कोई एडल्ट्रेशन नहीं होती है, बिल्कुल प्योरिटी के साथ। जब आप इसे टेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह से आपको ये पता चल जाएगा कि होममेड फील आता है, बिल्कुल वो घर वाला मज़ा आता है, क्योंकि मैं इसे घर में बनाती हूँ वैसे ही, अपने जैसे हमारी मदर्स हमारी माएँ बनाती है, वही वाला फील आपको इंशाल्लाह से मिलेगा इसमें। हम बनाने के बाद हम एक दिन पहले ऑर्डर्स लेते हैं और दूसरे दिन मेरा भाई जो है वो इसे होम डिलीवरी करता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी था कि हमारे यहाँ से होम डिलीवरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोगों के घरों तक जाए उनके टेस्ट की चीज़ें लेके। हम अभी फ्यूचर में इंशाल्लाह से तोशा ऐड कर रहे हैं इसमें, हम बसरक इसमें ऐड कर रहे हैं, हमारी वैरायटीज़ में हम बसरक ऐड कर रहे हैं, हम केक्स इंशाल्लाह से इंट्रोड्यूस करेंगे, आइसक्रीम, होममेड आइसक्रीम इंट्रोड्यूस करेंगे, हम जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, जो भी रेसिपीज़ हम इंट्रोड्यूस करेंगे वो इंशाल्लाह से पूरी होममेड होगी, गारंटी के, प्योरिटी की गारंटी के साथ होंगी, हाइजीन की गारंटी के साथ हम देंगे।